राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है, जिसका जायजा रांची के डीसी और एसएसपी ने लिया। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी समेत 16 प्लाटून और 4 बैंड भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग समेत 10 विभागों की ओर से झांकियां भी निकाली जाएंगी। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर राजधानी रांची के कर्पूरी ठाकुर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर विभिन्न नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। भारत सरकार की ओर से कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया है। ऐसे में लोग इस मौके पर उनके किए गए कार्यों को याद करने के साथ साथ उनकी जयंती को भी खास तरीके से मना रहे हैं। माल्यार्पण करने वाले पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए हमेशा सादा जीवन जिए और उच्च विचार रखा। उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा। वहीं राज्यसभा सांसद खीड़ू महतो ने भी कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के लिए खुशी जताई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धनबाद के सिम्फर के बाहर युवाओं का आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने युवाओं ने बताया कि कुंटेकना नामक कंपनी से सैकड़ों लोगों को सिम्फर और बीसीसीएल में सैंपल जांच के लिए कार्य पर रखा गया था। पिछले 6-7 वर्षों से तमाम लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में अचानक उन्हें काम से निकाल दिया गया और सभी बेरोजगार हो गए। कंपनी ने ग्रेच्युटी की राशि अब तक नहीं दी है और कई युवाओं का मासिक पेमेंट भी नहीं मिला है। ऐसे में उन्होंने उपायुक्त और सैंपल जांच पदाधिकारी बीसीसीएल को भी आवेदन देकर पेमेंट और ग्रेच्युटी क्लियर करवाने की मांग की है और आज उन्होंने सिम्फर में आकर भी आवेदन दिया, लेकिन उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। कुटकना नाम की कंपनी जिसमें हम लोग आज 6 साल से ड्यूटी कर रहे थे, हम लोग को बिना सूचना के आधार पे कंपनी से बिठा दी गई है और कंपनी भी शायद बंद अभी नहीं हुई है, लेकिन बस हम लोग का यही है कि नियम के तहत जो 5 साल से ज़्यादा ड्यूटी कर लेते हैं तो उनको ग्रेटी मिला जाता है और हम लोग नहीं ग्रेटी मिला है और आधे पेमेंट में ही आधा भी पेमेंट नहीं दिया है। जो मत हम लोग काम किए उसमें आधा पेमेंट भी नहीं दिया गया है और वो कंपनी अभी तारा खींचा कर रहा है, ग्रेटी भी नहीं मिला। आज के लेने हम दो महीना से परेशान हैं। हम लोग कोटकना कंपनी में जो कि सिम्फर को टेंडर सैंपलिंग का काम दिया था जिसमें कार्यरत हम लोग थे, तो 10 नवंबर के बाद हम लोग को फोन द्वारा सुपरवाइजर के माध्यम से खबर आती है कि आगे सैंपलिंग नहीं करना है, काम बंद कर दीजिए, तो हम लोग बंद कर दिए। और ये कानून के प्रावधान है कि जो भी ईपीएफ के अंदर में आते हैं वो अगर 5 साल काम कर लेते हैं तो वो ग्रेजुएटी के हकदार होते हैं, जो कि हम लोग का सालाना इनकम का 4% काट के रखते हैं उस टाइम हर साल के हिसाब से। वो पैसा जब हम लोग आज मांगने के लिए जब देख रहे हैं नहीं मिल रहा, पहले बोला गया सौरभ चौहान जी से बात हुए, जो हम लोग का मैनेजर हैं उनसे बात की है, तो वो बोले कि 60 दिन के अंदर आती है मिल जाएगी। तो हम लोग बोले सर एग्जिट डेट दे दीजिए, हम लोग अपना पीएफ का पैसा जो है निकालेंगे, तब तक खाएंगे क्या? आप लोग तो नोटिस किए नहीं, बंद कर दिए काम, जबकि नियम है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय को काम बंद होता तो 3 महीना पहले नोटिस किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया, ना ही हम लोग को पैसा दे रहा, तो हम लोग क्या खाएंगे? तो हम लोग एग्जिट दे दीजिए, कम से कम पीएफ निकाल के अपना चलाएं। तो वो बोले कि नहीं ये तो ऑल इंडिया ओवर पर अभी काम चल रही है, होगा ऐसे वैसे, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो नहीं देने के इरादे से। खबर लोहरदगा से, जहां लोहरदगा में गणतंत्र दिवस की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर बीएस कॉलेज में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य समारोह में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ ही झारखंड आंदोलनकारी को भी सम्मानित किया जाएगा।
धनबाद जिले के भूली आजाद नगर अमन सोसाइटी में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें कि न्यू पांडर पाला इस्लामपुर के रहने वाले मिराज कुरैसी और शहबाज कुरैसी के बीच जमीन विवाद में मारपीट हुई और इस दौरान ईंट पत्थर और लाठी भी दोनों ओर से चली, साथ ही गोलीबारी भी की गई है और अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। वहीं सिटी एसपी ने मीडिया के वीडियो के मामले में बताया कि घटना की जानकारी मिली है और संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इस्लामपुर का मामला है, वहां पे कल जो है मारपीट हुई और फिर फायरिंग भी हुई है, वीडियो भी वायरल हो रहा है। कल इस संबंध में सूचना मिली थी, हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि जो आवश्यक कार्रवाई हो करे, प्राथमिकी वगैरह दर्ज की गई है। अब थाना प्रभारी से बात करते हैं। इस्लामपुर का मामला है, वहाँ पे कल जो है मारपीट हुई और फिर फायरिंग भी हुई है, वीडियो भी वायरल हो रहा है। कल इस संबंध में सूचना मिली थी, हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि जो आवश्यक कार्रवाई हो करे, प्राथमिकी